हेलो दोस्तों मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित सेटअप देख रहे हो वैसे ही जैसे प्रीवियस वीडियो में था तो भाई उसी के साथ शूट कर ले रहा हूं अब बहुत बड़ी चीज़ एक मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में बहुत लोग होंगे गलत भी कहेंगे मानेंगे नहीं इस चीज़ को लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी करी बहुत गाड़ियाँ देखी हैं उनको देखा समझा जो उनको लॉन्ग टर्म ओनरशिप है उसको समझा तब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और भाई जिनको मानना है मान सकते हैं या जो नहीं मान रहे गाली देकर जा रहे हैं कोई बात नहीं लेकिन एक बार आप ये दिमाग में डाल के खुद अपने साइड से रिसर्च जरूर करना तो पॉइंट क्या है बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि हम केवल कंपनी फिटेड फैक्ट्री फिटेड सी की तरफ ही जाएंगे ठीक है बहुत अच्छी बात है आप जाइए और कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है सेफ्टी में हम इस वजह से बाहर की वो नहीं लें चॉइस उनकी है बहुत बढ़िया कुछ ना कुछ हद तक ये होता भी है हाँ जो आफ्टर मार्केट होती है सी जो रेट्रो फिटमेंट होता है उससे अच्छे लेवल पे सेट करके दी जाती है जिससे प्रॉब्लम्स नहीं आती हाँ ठीक है वो यही चाहते हैं जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि सेंसर्स की दिक्कत आती है जो चेक इंजन लाइट है वो जलने लगती है हमारी बेसिकली और कुछ रीजन से जलती है प्रॉब्लम कुछ नहीं होती लेकिन चेक इंजन लाइट जलती है तो वो सारी दिक्कत है इसमें जो कंपनी फिटेड फैक्ट्री फिटेड होती है उसमें नहीं आती है। बहुत बढ़िया लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि इस समय मार्केट में दो ही प्लेयर हैं जो बना रहे हैं पहली हुई मारुति जो नंबर वन है सी के मामले में सेल्स के मामले में ठीक उसके बाद आती है हूं अब आपको ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा शौक होगा कि सी वाले क्योंकि एस सी नाम देते हैं तो उन्होंने इसको पेटेंट करवाया और उन्होंने खुद ये जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप कराया आर एन डी करिए अच्छे से ठीक और उसके बाद एस सी वो बोला है और ख़ुद से खुद वहाँ पर असेंबली लाइन में वहाँ पर खुद से सारा कुछ अपने एंड से वो इंस्टॉलेशन करते हैं सारी चीज़ें उनके द्वारा बनाई गई हैं उन्हीं से बनाई गई हैं सर्विस वगैरह प्लस माइनस ए टू जेड सारी चीज़ें उन्हीं की हैं अब बात आ जाती है लोग कहेंगे हाँ भाई तो क्या हो गया कंपनी फिटेड ये है तो ऐसे ही होता है सारा काम ह्यूडई वाले भी ऐसे करते हैं तो नहीं भाई ह्यूंड वाले ये चीज़ नहीं करते हैं ह्यूंडई वाले एक सी इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि ओखला बेस्ड है डेली की उसके थ्रू ये काम करवाते हैं अब आपको सुन के शॉकिंग लग रहा होगा वो कहे भाई ऐसा कैसे हाँ भाई ऐसा ही है आपको नहीं यकीन होता तो जो भी कंप्लाइंस प्लेट लगती है चाहे मारुति की गाड़ी हो चाहे ह्यूंडे की गाड़ी हो उसमें आप देखना कंप्लाइंस प्लेट में आपको जो इंस्टॉल्ड बाय या इंस्टॉलर जो होता है उसका नाम दिख जाएगा जो भी मारुति की गाड़ी होगी उसमें लिखा होगा इंस्टॉल्ड बाय मारुति उद्योग प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके जबकि जो हमारी हिंडई की गाड़ी है उसमें ये चीज़ लिखी होती है कि सी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड अब ये क्यों लिखा होता है क्योंकि हिंडई ने सी वालों को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है और वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं पंद्रह बीस सालों से काम कर रहे हैं और इस लाइन में आए इनके साथ कोलेबोरेट करा और हिंडई की गाड़ी में सी वाले किट लगा रहे हैं अब लोग कहेंगे हाँ भाई तो फ़र्क क्या है डिफरेंस क्या है तो भाई डिफरेंस मैं आपको बताता हूं मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो रेट्रो फिटमेंट होती है उसमें रेल अलग लगती है और कुछ ना कुछ सेंसर्स की दिक्कत आती है तो वही दिक्कत है हिंडई की गाड़ी में भी आती हैं जब ह्यूंड ने शुरुआत करी थी तब आप जो कंपनी फिटेड सी है जो मैं बता रहा हूं वही हूंडई की गाड़ी में आप कंपनी फिटिंग लेते हैं कंपनी फिटेड सी लेते हैं लेकिन आपको वैसे ही जो रेट्रो फिटमेंट में आपको स्विच मिलता है ना वही स्विच मिलता था कोई गेज वगैरह वैसा नहीं मिलता था जैसे कंपनी फिटेड में आता है या डैश में या क्लस्टर में मिले ऐसा नहीं आता था एक अलग से मिल जाता था क्योंकि वो उनका इनिशियल टाइम था अगर सेल्स अच्छी नहीं आती तो वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट हटा देते ख़त्म कर देते इसमें ज़्यादा उनका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हूंडई वालों को वो नहीं हुआ अब देखा लोगों ने हाँ पसंद करी और ठीक है अब वो दिक्कत है छोटी छोटी सेंसर बेस्ड थी और चेक इंजन लाइट थी वो सारी दिक्कतें इसमें आने लगी गाड़ियों में इनकी गाड़ियों में और तभी वो साइड में छोटा स्विच होता था और बिल्कुल रेट्रो फिटमेंट वाला ही सिस्टम था जो रेल है वो भी वैसे ही आपको अलग से लगी दिखेगी जो रिड्यूसर है वैसे ही अलग से सब कुछ वही सिस्टम था क्योंकि लगी ही दूसरे हाथों से थी वो किट पूरी बनी हुई गाड़ी में बाद में किट लगा देते थे तो ये सिस्टम होता था तो अब उन्होंने तो गाड़ी बेच नहीं थी बेची लोगों को दिक्कत आई थोड़ी थोड़ी तो जो मेंटेनेंस होती है वो सी वाले करते हैं ह्यूडई वाले नहीं करते ह्यूडई वाले इसके ले नहीं है अगर कोई मेजर छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो बना दिया है सिस्टम सारा अब वही बॉस टूल दे देंगे मतलब टूल ओ स्कैनर दे देंगे कोई एरर आया स्कैन करा उसको रिमूव कर दिया ये छोटी छोटी चीज़ें तो सिखा दी लेकिन जो बाकी बड़ी चीज़ें कोई बड़ा प्रॉब्लम आती है कुछ भी इशू आता है तो सी वाले करते हैं क्योंकि मैनेज जो है वो वही कंपनी कर रही है ह्यूंड वाले कोई हाथ नहीं डालते हैं अब जब थोड़ा थोड़ा काम चल गया इनका बढ़िया उठ गया सेल्स अच्छी हो गई क्योंकि लोग मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी है उसकी वजह से अवॉइड करना चाहते थे लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था अब हंडा ऑप्शन आ गया अब सबसे अच्छा ऑप्शन क्या था उसमें कि चार सिलेंडर इंजन है जो भी आप देखें चाहे सेंट्रो देख लो चाहे ग्रैंड ग्रैंडाइटन नियोस देख लो चाहे और देख लो सब में फ़ोर सिलेंडर इंजन है वन वाला तो उनको लगता है हाँ थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी होती है लेकिन लोगों ने सोचा इसका इंजन भी अच्छा है क्वालिटी भी अच्छी है तो अब इसकी तरफ स्विच करने लगे ह्यडे की तरफ इनका काम चल गया तो इन्होंने वैसे ही प्रॉपर एक स्विच बनाया जो रेट्रो फिटमेंट वाला पहले था वो वाला नहीं एक प्रॉपर एक लगे हाँ कंपनी फिटेडी है वही स्विच बनाया अंदर क्लस्टर में मीटर वगैरह वैसे ही दे दिया जिसमें आपको गेज पता भी लगे तो ये सारी चीज़ें कर दी लेकिन इतना तो उठा लिया लेकिन अब भी वैसा ही सिस्टम है सारा इंजन के अंदर और दिक्कतें अब भी आ रही हैं लोगों को अब भी वैसी ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं जबकि जो मारुति वाले हैं मारुति मैं वकालत नहीं कर रहा मैं देखो फैक्ट बता रहा हूँ आपको जो मारुति वाले हैं उनका जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है ये ऐसी चेक इंजन लाइट और स्पार्क प्लग उड़ जाना नौ हज़ार साढ़े नौ हज़ार किलोमीटर पर ही स्पार्क प्लग उसके फुक जा रहे हैं जैसे उसमें होता है जो हमारी रेट्रो फिटमेंट पर होता है वैसे ही टेम्परेचर सेंसर वाली दिक्कत आती है मारुति की गाड़ी में वो चीज़ नहीं है कि बहुत सर्दियां हो जैसे दिल्ली वगैरह में भाई एक एक डिग्री चला जाता है टेम्परेचर क्योंकि सीएनजी को टेम्परेचर गर्म चाहिए अब गर्म करने के लिए कूलेंट की पाइपिंग तो कर देंगे लेकिन जो टेम्परेचर सेंसर होता है उसकी भी सेटिंग होती है उसे कहाँ किस जगह फिट करना है अब इसमें टेम्परेचर सेंसर की वजह से टेम्परेचर नहीं आ पाता था पूरा तो भाई गाड़ी मिसिंग करके बंद हो जा रही थी जो सर्दियों में सर्दियों की बात करो स्पेशली हिंडाई में ये दिक्कत है मारुति में नहीं है तो कुल मिला के कहने का जो मतलब है मेरा वो यही है कि ह्यूडई वाले सर्विस अपने एंड से नहीं देते सी ही पूरी तरह से मैनेज करती है और जो लोग सोचते हैं कि हम बिल्ड क्वालिटी के वजह से ये वाली ले लें पैसा है हमारे पास क्योंकि एक डेढ़ दो लाख रुपए महंगी आती हैं ह्युई ले लेंगे लेकिन मारुति नहीं लेंगे तो भाई मारुति की जो वैगन आर है वो टू स्टार है ठीक ठीक है अच्छी गाड़ी नहीं है लोगों के हिसाब से ठीक है कि बिल्ड क्वालिटी हल्की है उसकी टू स्टार है लेकिन जो सेंट्रो सेंट्रो में क्या है सेंट्रो भी टू स्टार है अब उसके बाद बात आ जाती है जो अर्टिगा हुई या फिर हुई छोटी गाड़ी की बात कर ली ये थ्री स्टार है और जो नियोस है नियोस तो अब भी टू स्टार है और अगर भी नहीं हुआ लेकिन न्योस के प्लेटफॉर्म वही चीज़ है वो सारी तो भाई वो भी टू स्टार तो वो तो उससे भी हल्की होगी लेकिन ठप्पा जो है मारुति का लग जाएगा और लोग सिर्फ उस वजह से हिंडाई की तरफ जाते डेढ़ सौ दो लाख रुपए दे देते लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि भाई एक रेट्रो फिटमेंट टाइप की सी सिस्टम हमें उसमें मिल रहा है प्रॉपर जो कंपनी फिटेड अब वहाँ पर अलग से असेंबली लाइन उन्हें दे रखी है फैक्ट्री में ही प्लांट में ही या फिर बाहर से उनके बंदे आके लगाते हैं जो भी ऑर्डर होता है उस हिसाब से होता है वो चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है मैं उसकी तरफ जाना भी नहीं चाह रहा लेकिन जो आप फिटमेंट देख लो चाहे मारुति का एक बार बोनट उठा के देख लो और इनका बोनट उठा के देख लो और जो भी तीस चालीस किलोमीटर यूज़ कर चुका है गाड़ी उसको आप देखो उनके ओनरशिप को देख लो आप आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि मारु सी के मामले में मारुति की टक्कर नहीं है सिर्फ मेरा यही कहना है कि जिसको भी भाई सी गाड़ी लेनी है तो प्लीज़ मारुति की तरफ ही जाना एक भाई होने के नाते कह रहा हूँ मैं ऐसा नहीं है मारूती कुछ खाने को दे रही है मुझे कुछ है। उसकी तरफ जाना है लेकिन अगर पेट्रोल पर पे चलानी है तो भाई आप बिल्ड क्वालिटी को एक तरफ कर दो क्योंकि उसकी भी छोटी गाड़ियों में नहीं है बिल्ड क्वालिटी बराबर ही है जो रिफाइनमेंट है और जो अंदर की अंदर का जो प्लास्टिक क्वालिटी है फिट एंड फिनिश है वो ह्यूंडाई का बेजोड़ है उस वो टक्कर नहीं ले सकता कोई भी ब्रांड ठीक तो उस मामले में अगर लेना है तो आप ह्यूडाई लेना लेकिन अगर केवल सी की वजह से आप और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और सी है तो इस वजह से इस पर जा रहे हो तो कोई बात नहीं आप मारुति ले लो और थोड़ा चर्रमर की हल्की फुल्की आवाज़ आएंगे लेकिन आप इंजन के हिसाब से आप जो कंपनी फिटेड का मजा लेना चाह रहे हो वो पक्का आप ले लोगे तो ये था इस वीडियो में चाह रहा था और आप अपने एक्सपीरियंस से जो कहना है वो कह सकते हो लेकिन अपने एक्सपीरियंस आप जाके लो जो जो गाड़ियाँ हैं जिन लोगों की उनसे बात करो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फ्लैप जो होता है जहाँ फीलिंग होती है वहाँ पर आप देखो वहाँ पर आपको लिखा दिख जाएगा जो भी मैनुअल गाइड है उसमें आप देखो आपको कहीं भी यही नहीं दिखेगा कि ह्यूंडई ने लगाई है हर जगह आपको मैनेजर इंस्टॉल्ड बाय सी वी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड यही चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी हिंडाई का कहीं से कहीं तक नाम नहीं होगा इसमें तो ये था इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को पसीना बहुत आ गया है शेयर कर देना दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी चैनल को जय हिंद